बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10th और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज तो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बढ़िया फील दिलाएंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे और स्नेल्स लॉ के 3-4 अच्छे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तैयार है आप? तो भाई जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। और क्या नहीं करना है, चूहे को मार के नहीं खाना, यानी इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस में नहीं फंसना है। निकाल लिया कॉपी पेन, हेडिंग लगाएं रिफ्रैक्शन। तो लाइट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सही बात है तब तक सही है जब तक कोई ऐसा ऑब्स्टिकल ना आ जाए जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के आसपास की हो, तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। खैर वो हमें वेव ऑप्टिक्स में देखना है, अभी तो हम मानेंगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। दूसरा आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ, स्फेरिकल मिरर में हुआ, मिरर्स फॉर्मूला आया वगैरह वगैरह सब लगाया। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन, सबने पढ़ रखा है ना, बाहर जाओगे सब्जी अलग बता देगा क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium with different optical density। ये भी लिखना important है क्या, bending of light when it passes from one medium to another medium with a different optical density। जब light मान लो air से water में गई, water से glass में गई, air से diamond में गई वगैरह वगैरह, किसी एक medium से light जब दूसरे medium में प्रवेश करती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, bend हो जाती है, झुक जाती है। हाँ, condition क्या है, दोनों की different optical density हो। अब ये क्या चीज है, मास डेंसिटी पढ़ा था, डेंसिटी जो होती है नॉर्मल, मतलब कोई चीज कितनी ठोस है कितनी घनी है, वैसे ही होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम में लाइट एकदम झम 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 तेजी से निकल गई, मतलब वो रेयरर मीडियम है। कौन सा रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर। और जिस मीडियम में लाइट लड़ झगड़ रही है, धीमे धीमे मुश्किल से जा रही है, हम बोलेंगे वो डेंसर मीडियम है। कौन सा डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये क्या है, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, जिसमें धीमे चली लड़ झगड़ के, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अभी बताएंगे बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, अभी वो सब बताएंगे कि रेयरर से डेंसर में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में बेंड्स अवे। अभी रुक जाओ, पहले समझो। दूसरा, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर ज़ूम, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। भाई रेयर है मतलब डेंसिटी कम है, तो लाइट ज़ूम से निकल गई, पर यह मास डेंसिटी से एकदम अलग है। एकदम सोचना भी मत मास डेंसिटी, ये एकदम अलग कंसेप्ट है, इसका मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें लाइट धीमे धीमे चली डेंस, जिसमें ज़ूम निकल गई वो रेयर। अब इसको हम सर मेजर कैसे करें, समझ में तो आ गया, तो इसको मेजर करने के लिए टर्म है, जैसे डेंसिटी के लिए हम लोग रो नहीं यूज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वैसे इसको मेजर करने के लिए टर्म है, सुना हुआ है, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी। हमारे पास एक बहुत फेमस टर्म है विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्यार कर लो, क्योंकि अगले 10-11 लेक्चर में ये आपको देखना ही दिखना है,
इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में हम RI लिखेंगे कभी कभी, और सिंबल भी यूज कर सकते हैं म्यू, कई लोग N यूज करते हैं, कई लोग म्यू यूज करते हैं, डिपेंड करता है किसकी गर्लफ्रेंड का नाम किस लेटर से स्टार्ट, सॉरी म्यू से वैसे नाम भी क्या होगा, खैर एनीवेज हाँ, तो आते हैं म्यू पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, देखो जैसे जिसका रो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ठोस या घना, उस तरह से जिसका म्यू जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली ठोस या घना, घना जो भी बोलो, मतलब उसमें से लाइट उतना धीमे पास करेगी। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी कम, म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डेंस। सो म्यू का जो फॉर्मूला है वो है म्यू इज इक्वल टू सी बराबर वी, सी बराबर वी, सी बराबर वी, ये फॉर्मूला है। वेयर सी स्टैंड, अभी समझ लो, सही बता रहे, कोई जरूरत नहीं, स्पीड ऑफ लाइट सबने जान रखा है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है किसमें, इन एयर और वैक्यूम में, हमारे सिलेबस में दोनों को सेम मान लेते हैं, और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कौन सा मीडियम, अरे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, म्यू जिसका है, और म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम देखा जाए तो एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा, वी पे, अरे ये तो कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁻¹, सिर्फ वी पर डिपेंड कर रहा। अब जरा ध्यान से देखो, जिसका म्यू ज्यादा मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम है वो कैसा है, ऑप्टिकली डेंस। यही तो मैं बोल रहा था, म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डेंस मीडियम, लाइट की स्पीड उतनी कम। फील आया म्यू क्या चीज है, फील आया, म्यू एक कंपैरिजन फैक्टर है जो बताता है कि किसी मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लाइट की स्पीड इन एयर और वैक्यूम। जरा एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और फील लेते हैं। देखो आता सबको एक फील क्या है, फील क्या है, जैसे मान लो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, हाँ तो इसका मतलब क्या है, यहां म्यू की जगह हमने रख दिया 1.5 इज इक्वल टू सी बाई वी, या लिख सकते हो वी इज इक्वल टू सी अपॉन 1.5। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया, इसका कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से 1.5 गुना कम। अब समझ गए, किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 2 times लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर फॉर लाइट, लाइट के ट्रेवल करने के लिए। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 3, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1/3 times ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फील आ गया, अब फील आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम लाइक वाटर इज 1.33, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 times लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो घुमा फिरा के जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ये किससे कंपेयर कर रहे हो, एयर से। जरा एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर्मूला बोलो, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी, सी क्या भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी, वी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या इस बार एयर ही ले लिया आपने, तो एयर में वी क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा, हाय हाय, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मीडियम ही एयर ले लिया, एयर में स्पीड ऑफ लाइट सी, सी सी कैंसिल, हाफ। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान ली और बाकी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू एयर निकाल ली। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी एयर से वो 1.5 गुना ज्यादा डेंस है फॉर लाइट,
यानी लाइट की स्पीड ग्लास में एयर के कंपैरिजन में डेढ़ गुना कम होगी, एयर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, हमेशा कम हो जाएगी, एयर और वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके कंपैरिजन में है, एयर के। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब किससे कंपैरिजन हो रहा है, एयर से। अब समझ में आ गया, मैं आपसे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हाय हाय सर दे दो, एच 2.4। हाँ, क्या समझ में आया कि डायमंड एयर के कंपैरिजन में 2.4 गुना ज्यादा डेंस है, किसके लिए, लाइट के लिए। यानी लाइट की स्पीड डायमंड में जाके 2.4 गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, नोट कर लो पहले फिर बात करते हैं, काफी बातें हो गई, नोट करें पहले। एक बात आपसे मुझे पूछनी थी, कि इस म्यू की वैल्यू क्या कभी वन से बड़ी हो, वन से छोटी हो सकती है। सोचो, जो सी है वो हमेशा वी से बड़ा होगा कि नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इससे ज्यादा तो वी की वैल्यू, भाई स्पीड ऑफ लाइट सी से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब सी हमेशा वी से बड़ा होगा, यानी म्यू की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी आएगी। जो मिनिमम वैल्यू है वो वन है फॉर एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन वन। इसको समझ भी सकते हो, लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा है, बाकी में कमी होनी है, तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। फील आ गया, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इज अ नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ नंबर व्हिच टेल्स कि कोई मीडियम एयर से कितना ज्यादा डेंस है फॉर लाइट। ये नंबर बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितने गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फॉर्मूला इज सी बाई वी। आ गया फील, अब आते हैं वापस रिफ्रैक्शन पे, छाप लो पहले इतना। इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं जब एयर से कंपैरिजन करते हैं। चलो भाई छाप लिया, अब आते हैं भाई किसी फिटी कहानी पे, क्लास 10th वाली। कौन सी? लग जब लाइट रेल से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेल में आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट बेंड क्यों होती है तो कोई बताएगा ही नहीं। हाँ सर, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट मीडियम। तो बेंड क्यों हुई? ये हम आपको वेव ऑप्टिक्स समझाएंगे कि लाइट एक्चुअली बेंड क्यों होती है, अभी हो ही नहीं सकता ये। हाँ तो आते हैं क्या था, हाँ बेंडिंग ऑफ लाइट पे आते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, तो पहला पॉइंट लिखेंगे नहीं, बना देते। ये हमारा नॉर्मल, ये आई लाइट, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल पहले ही बना देते मैंने, माफ करना। ये नॉर्मल बन गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बच्चों ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, कैसे पता चलेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, एंड इट इज गिवन दैट म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। ऐसी पता चलेगा, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर। अगर लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता लाइट कैसे जाती, या फुर, फुर, कैसे भी जा सकती। पर मीडियम चेंज हुआ और कैसा मीडियम आया, डेंसर, तो लाइट किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, तो ऐसे जा सकती थी नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ ऐसा नॉर्मल की तरफ, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बेंडिंग क्यों होती है, इसका रीजन किताब में लिखोगे, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो भाई डिफरेंट स्पीड थी तो यहाँ चल लेती, धीमे चल लेती, मुड़ कह गई डिफरेंट स्पीड होगी तो धीमे धीमे चल लेती डेंसर मीडियम में। तो ये चीज हम आपको वेव ऑप्टिक्स में बता पाएंगे। दूसरा पॉइंट, मैं ऐसे ही लिखूं इसमें कंफर्टेबल हूं। दूसरा पॉइंट फिर से, अब की बार डेंसर से रेरर में आएगी, म्यू वन म्यू टू, म्यू टू इज लेस देन म्यू वन। भाई ये टेंसर, ये रेरर, अच्छा पहले नॉर्मल पहली बना लेते हैं, नॉर्मल बन गया, टक 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 टक, ये आई इंसिडेंट है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेरर। अगर मीडियम चेंज ना होता
अगर मीडियम चेंज ना होता तो लाइट ऐसे निकल जाती, पर क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में आ रही तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसे जाने लगती पर नॉर्मल से अवे भाग गई ऐसे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट किधर बेंड हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहां पे टुवर्ड्स द, देखो ये नॉर्मल है, लाइट कैसे चली जाती, किधर बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे ऐसे जानी चाहिए थी, ये नॉर्मल ऐसे जानी चाहिए थी, नॉर्मल ये बेंड्स अवे, नॉर्मल से दूर भाग गई, सो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अभी तो आप ये दो नियम याद कर लो कि ऐसा होता है जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है, ऐसे जाना चाहती थी, ये जाना चाहती थी, बेंड हो गई था, जब लाइट किधर बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयर में आती है ऐसे जाना चाहती थी, कहां बेंड हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गई, ऐसे जाना चाहिए था पर नॉर्मल से दूर, ऐसे जाना चाहिए था पर नॉर्मल के तरफ। अच्छा, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें लाइट बेंड नहीं होगी, दो केसेस ऐसे हैं जहां लाइट बेंड नहीं होगी, देख लिख लो, टू केसेज वेयर लाइट, खराब इंग्लिश लिखे नो बेंड, ऐसी इंग्लिश में मेरे पास मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, टू केसेस वेयर लाइट नो बेंड। देखो पहला केस क्या है, है नॉर्मल इंसिडेंस का, ये दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम है डेफिनेटली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, म्यू टू है, दोनों डिफरेंट है, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू, डिफरेंट है, ये लाइट ने अगर ऐसे आपने मार दी 90 डिग्री के एंगल पे आपने मार दी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 नहीं 0, अरे भाई यही तो नॉर्मल बनाओगे पहले, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल 0, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है और लाइट सीधी सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, भले ही मीडियम अलग अलग हो, इट इज गिवन दैट म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू, मीडियम अलग अलग है, अगर लाइट को 90 डिग्री पे मारा सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, 90 नहीं, अरे भाई ये सरफेस ऐसे मारा 90 डिग्री पे, यहीं पे बनाओगे नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 0, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। दूसरा केस बड़ा ही नॉर्मल है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, म्यू टू है, लाइट ऐसे आके ऐसे निकल गई, मान लो ऐसा दे दिया हल्के फुल्के एग्जाम में कि ऐसे निकल गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगी, लाइट को समझ ही में नहीं आया मीडियम बदल गया, भले ही दोनों मीडियम का कलर अलग हो, भले ही मटेरियल अलग हो, लाइट को इन सबसे लेना देना नहीं है, उसे देखना है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, अच्छा अच्छा मान लिया दोनों सेम मीडियम, चलो जरूर तो अगर ये गहरा होता, मतलब ये घना होता, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर होता, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर ये केस बन जाए तो चाहे गहरा हो चाहे हल्का हो, मतलब कहने का मतलब चाहे डेंस हो चाहे रेयर हो, सीधे ही चलेंगे, 90 डिग्री भी मार जाए तो हम सीधे जाएंगे, और यहां पर भी सीधे, क्लियर छात्र। और बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, छाप लिया, ओके मैं ये मिटा रहा हूं नीचे वाला, छाप लिया ओके। अब जरा देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे हम करें, क्या मान लो इस वाले को लेते, मान लो यहां स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहां स्पीड ऑफ लाइट v2 है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, यहां स्पीड ऑफ लाइट v1 यहां। अगर हम इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखें म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट, तो सी अपॉन वी वन बनेगा, उसी तरह से हम इसके लिए लिखें तो हम लिखेंगे म्यू टू इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन, बोलो क्या बनेगा, सी बाई वी वन अपॉन सी बाई म्यू टू अपॉन म्यू वन आएगा v1 बाई v2,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ये पहले भी आप देख चुके हो, देखो दिख रहा है वही चीज यहां पे देखिए. म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू. अब इसका एक नाम है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ऐसे लिखते हैं, क्या है ये, आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखने का तरीका है, म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन. और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू टू वन. ऐसे लिखते हैं म्यू टू वन, पहले वन इधर लिखा मुझे पता है, बट तरीका है म्यू टू वन, पहले उधर फिर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू. Refractive index of second medium with respect to first. This is not absolute refractive index. ये दो medium पर compare करना start हो गया है. Mu 2 1. ठीक है? ये मैं डाल दे, note कर लिया? Note कर लो. Okay. एक बात और सुनो भी. अच्छा आपको पता है कि ये जो v होता है स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्या हम v इज इक्वल्स टू f लैम्डा लिखते थे? v होता था स्पीड ऑफ वेव, f होता था फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है वेवलेंथ. तो बच्चों जो v और लैम्डा होता है, जो v और लैम्डा होता है, ये तीनों चीज डिपेंड करती है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम के हिसाब से चेंज होती है. मैंने क्लास 11th में वेव पढ़ाते हुए कई बार बताया. और बच्चों जो एफ होता है ये डिपेंड करता है सोर्स पे, जहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है, किस मीडियम से पास कर रही है डजंट मैटर. हम मीडियम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो बना रहा है वेव को वही डिसाइड करता है. हमने यहां से एक सेकंड में चार वेव बना के भेज दी, तो अब हर एक सेकंड में चार वेव ही आगे ट्रेवल करेंगी. एक बार एक सेकंड में जितनी वेव बन गई उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो रास्ते में नहीं बदल सकती. हमने चार वेव बना के भेज दी, अब चाहे पानी से भेजे, चाहे हवा से भेजे, चाहे गधे से भेजे, घोड़े से भेजे, चार ही जाएगी. यानी दिस डिपेंड्स अपॉन सोर्स एंड दीज टू डिपेंड्स अपॉन मीडियम. कहने का मतलब अगर इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करना चाहें, म्यू टू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू. अब v1 की जगह हम लिखेंगे f lambda 1 और v2 की जगह f lambda 2. भाई है तो लाइट ही ना, सेम लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम सेम लाइट है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई. तो यहां इसकी स्पीड v1, यहां v2, यहां वेवलेंथ lambda 1, यहां lambda 2, यहां फ्रीक्वेंसी f, यहां भी फ्रीक्वेंसी f. फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती, सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती. तो v1 की जगह f lambda 1, v2 की जगह f lambda 2, f से f मर गया और ये बन गया आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन. इसमें से कुछ भी दिया हो, कुछ भी गायब हो, आपसे कुछ पूछे, मतलब कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो हमसे कहा mu of let us say water with respect to glass, तो आप क्या बोलोगे, mu of water upon mu of glass. आप क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. यहाँ पे देखो उल्टा रिलेशन हो जाता है, म्यू टू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, वी वन बाई वी टू इज इक्वल्स टू लैम्डा इन ग्लास अपॉन लैम्डा इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर. नोट करें इतना, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी. इस पर चाहे तो एक दो हम आसान हलवा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, करना है कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए. छाप लिया, अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे. सर आपने मिटा दिया, हम लोग गाना सुन रहे थे. आप पीछे जाके भी नोट कर सकते हो, और जो बच्चे चाहें
वो हमारी वेबसाइट www.physicswallahalakhpandey.com पर जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मिलेगा 600 स्टडी मटेरियल्स। चलो बहुत प्रमोशन हो गया, समझ गए। हाँ तो वापस आते हैं, कहां पे थे? हाँ, सवाल 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 नंबर एक। अगर हमसे कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 meter per second and speed of light in some kind of glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, हमसे कहता है find करिए आप refractive index of water, refractive index of glass and refractive index of water with respect to glass। मान लो ये सवाल देता है refractiveness of water, refractive index of glass and refractive index of refractive index of glass with respect to water। चलो जल्दी से कर दो हलवा, करें हम। चलो चलो भाई, इसमें तो समय ही नहीं देना। सॉल्यूशन पहला, refractive index of water कुछ नहीं दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? जब इधर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एब्सोल्यूट, कुछ नहीं लिखा है तो एब्सोल्यूट क्या डाल दो? C by V, V किसमें? वाटर में। जब कुछ नहीं लिखा मतलब एयर के रिस्पेक्ट, तो C कितना होता है 3 into 10 to the power 8, नीचे क्या डाल दो 2.25 into 10 to the power 8, ये दोनों मर गए, ये इसको 300/225 लिख सकते हैं, किससे कटेगा? 25 से ही कट जाएगा, 25 into 25 into 50, 25 into 50, 25 into 9 into 4, 3 into 4 into 12, 3 into 3 into 9, 4/3 1.33, refractive index आई 1.33, यानी ये एयर कंपैरिजन में 1.33 गुना ज्यादा डेंस है, लाइट की स्पीड को 1.33 गुना कम कर देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, कुछ नहीं लिखा मतलब एब्सोल्यूट है, तो C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, C इज 3 into 10 to the power 8, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8, ये जों-जों मर गया, 3/2, आंसर इज 1.5। इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है? ग्लास। देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस, ज्यादा घना। लास्ट पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी है ये उठा लो 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है वो उठा लो 4/3, ये 3 ऊपर गया, 3 3 9 4 2 8 8 1 8, अरे रिफ्रैक्शन मतलब ये वैल्यूज कौन उठाए डेसिमल वाली, ये पता है ना म्यू जी डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू। हाँ, तो म्यू जी कितना है, हैंग कर गया था सिस्टम, 3/2, और म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, 3 ऊपर गया, 3 3 9 4 2 9 8, अरे यार आसान लेक्चर से तेज भाग रहे, 8 1 8 10 8 1 8 20 8 2 16 40 8 5 41.125, सही है, 8 1 8 10 8 1 8 20 8 2 16 40 1.125 क्लियर, ऐसे भी निकाल सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर, मान लो ये नहीं पता होता कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वाटर में 2.25 into 10 to the power 8, ग्लास में 2 into 10 to the power 8, मान लो ये ना पता होता, मान लो सिर्फ ये दिया होता, तो ऐसे करते है ना, क्या फायदा, तो 10 ने ने कैंसिल, 225 अपॉन 225 से काट दो, ये 9 ये 8 आ गया 1.1। क्लियर हो गया, ऐसे घटिया सवाल हम नहीं करेंगे आगे, मिटा रहे इसको। जाते हो तो चले जाना, एक और घटिया सवाल लगा के जाना, एक सवाल और देख लो, फिर चलते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। एक सवाल और देख लो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट of a particular light in air is 4800 angstrom, pura kaun likha hai yaar, the wavelength of a particular light in air, wavelength of a particular light in air is 4800 angstrom if refractive index of diamond is 2.4, find the wavelength of same light in diamond, find the wavelength of same light in the diamond, karke dikhao, like a diamond in the sky, हाँ बताओ,
हो गया। बहुत आसान सवाल है, नहीं हो पाया, बहुत टफ लग रहा है। हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितनी दी है? 2.4। किसके रिस्पेक्ट में? कुछ पता नहीं, तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं दिया मतलब एब्सोल्यूट। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको आप क्या लिख सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको आप क्या लिख सकते हो? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। अरे भाई, यही तो बताया था इतनी देर पहले आपको हमने, μ2 = μ1 = μ1 = v1 = λ1 = λ2। तो हमने कहा भाई डायमंड की दी है तो किसके रिस्पेक्ट में दी होगी? एयर के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिख सकते हो? μd/μa है ना, μda = μd/μa = va/vd = λa/d। ठीक है, μda पता है 2.4, लैम्डा ए पता है 4800 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा डी नहीं पता, निकाल लो। कितना ही घटिया सवाल था। 2.4 नीचे ये पॉइंट अट्टा 0 24 2 48 0 0 0, 2000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ, यानी जिसमें मिलेगा स्नेल्स लॉ। हो गया। नटे क्यों है भाई? चलो नेक्स्ट लिखें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ बड़ा सिंपल है रिफ्रैक्शन का, वही द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। क्या बोल रहे हैं हम? जैसे मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा, ये इंसिडेंट रे डंग 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 डंग, अच्छी अच्छी डंग 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 डंग, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, भाई ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गई इंसिडेंट, और ये नॉर्मल। ये तीनों ही रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन में होंगी। देखो ना, सब इस प्लेन में है। अगर ये एक प्लेन हो तो इसी में इंसिडेंट है, ये प्लेन ठीक है। तो इस प्लेन में देखो इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है। ये देखो ये वाला जो प्लेन है, इंसिडेंट रे भी, ये प्लेन देखो ये तो इसी में इंसिडेंट रे, इसी में रिफ्रैक्टेड और इसी में नॉर्मल। क्लियर है, बड़ा सिंपल था। दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ सर छोटे से वन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बड़ा बढ़िया लॉ है, जरा इसका फील लेते हैं स्नेल्स लॉ का। हा 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 हा, क्या है? एक मैं लंबी सी लाइन में आता हूं, यहां मैं लिखूंगा मीडियम वन, यहां लिखूंगा मीडियम टू, इसको बोलता हूं म्यू वन, इसको बोलता हूं म्यू टू, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। सर पहले ही नॉर्मल, अरे अब तो तुम बड़े हो गए, तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है रिफ्लेक्शन, हाँ भाई हाँ रिफ्लेक्शन कराएंगे, हाँ हाँ भाई बस वही। हाँ मान लो यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट लेके आए, यहाँ पे टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई वन, मान लेते हैं इंडेंसर है बेंड वी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना आर वन। मान लो दूसरी रे लेके आए ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई टू, बेंड हुई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना आर टू, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल करा रहा है डेंसर मान लिया। मान लो तीसरे लेके आया ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई थ्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर थ्री। हमने चेक किया कि यार क्या चीज ऐसी रिफ्रैक्शन में है जो सेम रह रही है या कोई फॉर्मूला मिल जाए। देखो जब रिफ्लेक्शन करा रहे थे तो एक चीज थी, क्या
कंफर्म थी, चाहे प्लेन मिरर से हो, चाहे स्फेरिकल मिरर से हो, चाहे किचन में कटोरे से हो, चाहे कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो, है ना, किसी के बॉल्ड सर से रिफ्लेक्शन हो, मेरा भी है, अपना ही मजाक उड़ाया, कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो हम चाह रहे थे ऐसा ही कुछ रिफ्रैक्शन में भी मिले भाई, आई और आर का रिलेशन तो मिले भाई। मिरर में हम आपको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, यहां हम आपसे बोलेंगे 30 डिग्री तो ये कितना नहीं पता, हम बोले 30 डिग्री, आप बोलोगे 30 से कम, हम बोले 60 डिग्री 60 से कम, हमने बोला 75 डिग्री 75 से कम, पर कितना, तो एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश की गई, सीधा करो ना लॉ निकल आता है, पहले कोशिश की गई, बहुत सी चीजें सोची गई, सोचा क्या देखते हैं जरा कहीं आई वन बाई आर वन तो इक्वल ना हो रहा है आई टू बाई आर टू के, या ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा हो कि आई टू आई वन का स्क्वायर करें तो आर वन आ जाए, है कच्चो किया गया कि आई वन बाई टू कर दे, तो मतलब बहुत कोशिश, समझ गए, डिफरेंट फॉर्मूले डिफरेंट एक्सप्रेशन लोग ट्राई कर रहे थे कि ये गुत्थी सॉल्व हो, रिफ्लेक्शन में आई मिला तो आर मिल जाता है, रिफ्लेक्शन में आई के बाद आर समझ ही नहीं आ रहा, तो ढूंढते 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 पता चला कि साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू इज इक्वल टू साइन आई थ्री बाई साइन आर थ्री। अगर मीडियम का जो पेयर है वो सेम रहे then the ratio of sin I by sin R remains constant. आप जो मर्जी I लगा दो, जो मर्जी I लगा दो, R ऐसा आएगा कि sin I by sin R की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यही है स्नेल्स लॉ, यही है स्नेल्स लॉ। और बड़ी इसमें खूबसूरत चीज ये हुई कि जो ये रेशियो है ना sin I upon sin R का, ये कॉन्स्टेंट तो है ही, और ये इक्वल होने लगा म्यू टू अपॉन म्यू वन के, यानी ये इक्वल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे याद नहीं करना, अब याद करने के लिए बताएंगे, ये है स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ है, ये उसके आगे की कहानी है। पहली चीज तो ये समझ में आई, आई कितना भी चेंज हो, कच्चो आई रख दो, आर भी उसी के हिसाब से कुछ कुछ चेंज होता जाएगा, पर जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है वो हमेशा म्यू टू बाई म्यू वन के बराबर आएगा। जब तक मीडियम चेंज नहीं करोगे तब तक साइन आई बाई साइन आर चेंज नहीं होगा, दैट इज स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब दो मीडियम प्लूरल, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम साइन आई बाय साइन आर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन आल्सो। अब इसको याद करने का तरीका समझो, ऊपर म्यू वन है नीचे म्यू टू, ऊपर एंगल कितना है आई वन, जरा देखो क्या इसी को मैसेज ले सकते हैं, म्यू वन कैसे लाओ, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये आसान तरीका इसको याद रखने का। देखो ऐसे याद करने से दिक्कत होती है, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। सवाल करें, आओ सवाल करते हैं, चलिए मिटा दें इसको, अरे अभी सवाल करेंगे एकदम फील हो जाएगा, टेंशन मत लो, चलो उस पर दो तीन अच्छे सवाल देख लो। चलो तो सवाल है क्वेश्चन नंबर वन, ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल बना है, ये एंगल हमसे बोला 60 डिग्री है, ये लाइट बेंड हो गई, हमसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सेकेंड
फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन. सिखाते हैं, पहले आर निकालो अपने आप, फिर सिखाते हैं. फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो, पहले आर निकालो. बहुत आसान है, बहुत ही हलवा है. देखो यहां का म्यू उठाओ इसका साइन, यहां का म्यू उठाओ इसका साइन. म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन आर. इसका म्यू उठाओ इसके साइन से मल्टीप्लाई करो, इसका म्यू उठाओ इसके साइन. जहां का म्यू उठाओ वहीं के एंगल का साइन. बहुत ही सिंपल, साइन आई बाई साइन आर खत्म. म्यू ऑफ एयर कितना है 1, साइन 60 इज रूट 3 बाई 2. म्यू ऑफ मीडियम कितना है रूट 3, साइन आर भी डोंट नो. रूट 3 से रूट 3 मर गया, 1 बाई 2 इज इक्वल टू साइन आर. डेफिनेट सी बात है आर की वैल्यू कितनी होगी 30. क्लियर हो गया भाई, साइन आर इज हाफ तो कितना होगा 30 डिग्री होगा, तभी साइन 30 हाफ आया होगा, तो आर इज 30 डिग्री. चलो ये बात तो समझ में आ गई, बड़े सिंपल से स्नेल्स लॉ लगाया आपने. अब आया एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है समझते हैं. अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे बिल्कुल ऐसे जाती, पर मीडियम चेंज होने से ये लाइट डेविएट हो गई. कितना डेविएट हुई, इतना. मीडियम चेंज से लाइट रे इतना डेविएट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं डेविएशन डेल्टा. कितना हुआ डेविएशन आओ देखते हैं बच्चों. ये 60 डिग्री है और ये कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा है? ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री तो ये पूरा भी तो 60 डिग्री होगा, ये 60 तो ये 60, 60 में से 30 गया तो कितना डेविएट हुआ 30. So, कितना डेविएशन है 30 डिग्री. आप अगर सिंपल प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप डेविएशन का आंसर आई माइनस आर के मॉड से निकाल सकते हो, बट कहां पे लगाना, सिर्फ प्लेन सरफेस पे. कर्व वगैरह पे कहानी नहीं चलेगी, सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है. किताबों में फॉर्मूला लिखा है बट यहाँ वैलिड है, हर जगह वैलिड तो तरीका नहीं. तरीका यही है समझो पूरा, कि ये 60 डिग्री था तो ये 60 हुआ, फिर 30 गया, तो कितना लाइट रे यहां से यहां आ गई, 60 पे जा रही थी 30 पे आ गई, मतलब कितना बंडी हुई 30. यहां तो इत्तेफाक से आंसर इससे भी आ जाएगा, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30. एक और सवाल दे, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. चल क्वेश्चन नंबर 2. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक्चुअल में ये बाउंड्रीज हैं. यहां पे कोई मीडियम 1 है, यहां पे कोई मीडियम 2 है, और यहां पे वापस मीडियम 1 है. ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 और वापस मीडियम 1 पे आ गया. ये कोई लाइट रे है ऐसे पड़ी यहां पे, ठीक है. ये दोनों रेस, ये दोनों बाउंड्रीज, ये बाउंड्री है जो मीडियम 1 मीडियम 2 को सेपरेट करी, बाउंड्री है मीडियम 2 मीडियम 1 को सेपरेट करी, ये दोनों पैरेलल है बाउंड्रीज. यहां पे एक लाइट रे आई ऐसे पड़ी, ये नॉर्मल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दिया आई, यहां से लाइट बेंड हुई ऐसे, फिर यहां पर फिर नॉर्मल बना, और यहां से लाइट ऐसे बेंड हुई, और ये एंगल को हमने बोला ई. हमसे पूछा फाइंड ई, ऑप्शन दे रहे हम आपको I by 2, I, 2I, I plus 30 degree. चलो बताओ, सोचो, find E, E क्या I by 2 होगा, या I होगा, या 2I, या I plus 30. पॉज करके एक बार ट्राई करो. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, भले देखने में पैरेलल ना बन पाई हूं मुझसे, मुझे माफ कर देना, बट है पैरेलल. These two lines are parallel. ये बनाते ही पैरेलल हो गई, क्या जैसे भी बनाओ. बताओ भाई, पॉज करके ट्राई करो.
1, 2, 3, 4 भाई कर लिया कर लिया कर लिया, हाँ भाई कर लिया। आ जाओ मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू थ्री, ना रे म्यू वन, दोनों मीडियम क्या है सेम, म्यू वन म्यू टू म्यू वन। अच्छा ये आई पे यहां टकराया, झुका, इसको बोले आर। अच्छा ध्यान से देखो, ये एंगल आर हुआ तो ये एंगल भी आर होगा, देखो ऐसे ये एंगल आर तो ये भी तो आर होगा, बोलो बोलो टक 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 टक, एक टीयू टक 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 टक, ये आर तो ये भी तो आर होगा, जेड बन रहा है कि नहीं, ये आर तो ये आर, ठीक है। और ये भी इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहां से म्यू वन साइन आई, इधर का म्यू इधर का साइन एंगल इज इक्वल टू, यहां से म्यू टू साइन आर, इस सरफेस पर लगाएंगे म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर, फिर और इस सरफेस पर लगाते हैं यहां पे लाइट यहां से यहां आ रही, कोई दिक्कत नहीं, पता साइन आई साइन आर सब भ्रम है, म्यू उठाओ एंगल का साइन उठाओ, कौन सा एंगल जो नॉर्मल से बना रही हो रही, जो नॉर्मल से बना रही हो रही उसका साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठाओ, बाकी साइन आई साइन आर सब भ्रम है। आ जाओ यहां पे लगाओगे म्यू टू साइन आर, म्यू टू जो नॉर्मल से एंगल बना साइन आर, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा वहां पे लाइट रे, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा वहां पे लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बना है उसका साइन लो, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, इस तरफ नॉर्मल से एंगल है ई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी म्यू वन, म्यू वन साइन। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, म्यू वन साइन आई किसके इक्वल है, म्यू टू साइन आर के, और म्यू टू साइन आर भी किसके इक्वल है, म्यू वन साइन आई के, यानी इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो म्यू वन साइन आई इसके बराबर हो गया, अरे भाई ये भी इसके बराबर है, ये भी ये टर्म देखो ना दोनों में सेम है कि नहीं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी, इसका मतलब म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई, म्यू वन मर गया साइन आई साइन ई के बराबर, तो आई इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे एंगल 90 से तो छोटा ही होगा ना हमें पता है, तो सीधा एक ही सोल्यूशन आएगा इसमें, ये मत कहना ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग और भी आंसर होंगे, एक ही होगा यहाँ पे 90 से छोटा एंगल, आई इज इक्वल टू ई, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जब पैरेलल सरफेस हो तब ये श्योर रहेगा कि आई इज इक्वल टू ई, ऐसा आप ग्लास स्लैब में देखोगे होता हुआ आया। यहां पे लगाओ आप लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां का म्यू उठाओ और नॉर्मल से बनने वाले एंगल का साइन, फिर यहां का म्यू नॉर्मल से बनने वाले एंगल का साइन, मैंने कहा ये आर तो ये आर, फिर सेम चीज यहां की म्यू इनटू इनटू साइन आर म्यू वन इनटू साइन, फिर मैंने कहा कि म्यू टू साइन आर दोनों में सेम दिख रहा है यानी ये इसके बराबर। चलिए तीसरा सवाल, ये वाला आप खुद से करेंगे, पक्का, चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। सर मैं तो फॉरवर्ड करके सही कर लेगा, हाँ मान लो ये कोई मीडियम है, बाहर एयर है, ये कोई मीडियम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 3 फिर से दिया है, लाइट रे ऐसे स्ट्राइक की, ये एंगल मान लो हमको दे रखा है 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री, हाँ ठीक, ये नॉर्मल है और ये रेडियल से टेंसर जा रही तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, देखो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी है कि नहीं, और ये रेयर है ये डेंसर है तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल कहां बनता है, हाँ ये चीज याद रखना, जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस हो सर्कुलर सरफेस, जैसे स्फेरिकल है ये, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता हुआ बनता है, यानी इस जगह पे जब नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल इस पॉइंट इस सरफेस पे नॉर्मल बनाओगे कहां से पास करेगा सी से, ऐसे मान लो ये हमने कई बार बताया, मान लो लाइट ऐसे स्ट्राइक की, आपको यहां पर नॉर्मल बनाना है ना, यहां स्ट्राइक की यहां नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल किससे पास करना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वे, ऐसा सेंटर ऑफ स्फीयर से, मान लो लाइट ऐसे स्ट्राइक की, तो यहां पे आप नॉर्मल बनाओगे कि नहीं, लाइट स्ट्राइक की नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल कहां से पास करेगा हमेशा सेंटर से, ठीक है छोटी बातें बताते हैं, तो ये पास किया अब इसके बाद लाइट किधर बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट ऐसे मान लो बेंड हो गई, फिर यहां पे लड़ी, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे मीडियम चेंज होगा क्या बनाओगे, समझते जाओ यार छोटी बात, जैसे यहां पे लड़ी एक मीडियम से दूसरे में जा रहा था तो क्या बनाया नॉर्मल, नॉर्मल कहां से पास करता है सेंटर से, देखो लाइट ऐसे टकराई
हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से, फिर बेंड होके ऐसे नहीं, यहाँ पे अब फिर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, ये अब जा रही है डेंसर से रेयर, भाई बात तो फिर रेयर है, तो कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जा रही थी, देखो ऐसे जा रही थी लाइट ए, ये जा रही थी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जानी चाहिए, ऐसे बेंड हो गई, नहीं समझे, ये लाइट रे जा कैसे रही थी, पहले ऐसे समझो, ये जा रही थी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे जाती, पर रेरर डेंसर से रेरर गई, डेंसर से रेरर तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड हो गई। खैर इतनी बातें मुझे करनी ही नहीं थी आपसे, मुझे तो आपसे इस ई की वैल्यू पूछनी है, जो बात है साफ, तो फाइंड बी, ऑप्शन है आपके पास ई इज 30 डिग्री, ई इज 45 डिग्री, ई इज 60 डिग्री या ई इज 90 डिग्री। चलो ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन आज का, खुद से करना चाहिए आपको ये, पॉज करके, हो गया, पॉज करें वीडियो को, हो गया, हो गया। चलिए मैं करने जा रहा, यहां पे लाइट लड़ी और ऐसे गई, ये क्या है, यहां का नॉर्मल है, यानी ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, फिर लाइट यहां पे जाके लड़ी, ये नॉर्मल है, ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इधर का, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस बार, इस सरफेस पे देखो, तो कह रहा हमें क्या करना है, हमें तो म्यू और साइन चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये जो नॉर्मल आपने बना रखा है भाई, ये सब क्या है, ये तो बनाया आपने, ये सर्किल का रेडियस तो ये भी सर्किल का रेडियस, ये दोनों साइड इक्वल, यानी ये एंगल बराबर हो गया, देखो ध्यान से, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई इस ट्रायंगल की, तो ये एंगल आ रहा है तो ये भी तो आर करना पड़ेगा, ये एंगल भी आर हो गया, फील आया, हाँ उसको आई बोलना चाहिए, बट वो आर के बराबर आर लिख दिया, क्या दिक्कत है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये साइड भी रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर, तो ये आर, तो ये भी आर, खत्म हो गया क्वेश्चन। आ जाओ यहां पे लगाओ स्नेल सॉ, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन आर, सॉल्व मत करो, कुछ वैल्यू मत रखो, रुक जाओगे, म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन आर, भाई ये इसी का साइन लेंगे ना जो नॉर्मल से, अच्छा यहां का हो गया काम, फर्स्ट सेकेंड सरफेस पे आ जाओ, यहां पे क्या लगेगा, म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू, बाहर क्या है एयर, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ई, म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन आर, नॉर्मल से जो एंगल बनाया लाइट ने उसका साइन, और इस तरफ आने पे नॉर्मल से एंगल ई है और म्यू ऑफ एयर, फिर वही बात भी देखो, म्यू एम साइन आर दोनों में दिख रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये इत्तेफाक है, हर क्वेश्चन में हो जरूरी, तुम लोग कहोगे हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर देना, नहीं देखना पड़ेगा, हो सकता हो वैल्यू भी रखनी पड़े भाई, हो सकता हो दोनों एक क्वेश्चन, चलो एक बार कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़े, क्या पता डिवाइड करना पड़े, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ, म्यू ए साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू एम साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ए साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू एम साइन आर, कोई फर्क नहीं किधर से लिखो, म्यू और साइन ले लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू ए साइन 30 अपॉन म्यू एम साइन ई इज इक्वल्स टू, ऐसे करना हमेशा डिवाइड करके, यहां से देखो क्या होगा, म्यू ए साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू एम साइन ई, ये आएगा, म्यू एम कहां से आ रहा है, गलत लिखा ना कुछ, क्या लिखा है, यहां पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू एम इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन ई, तो अगर इसको हम उल्टा करके लिखें तो ये लिखेंगे म्यू ए इंटू साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू एम इंटू साइन आर, से अब डिवाइड करो क्या आएगा, म्यू ए साइन 30 थोड़ा मैं टाइम ज्यादा खा गया मुझे पता है, म्यू ए साइन ई इज इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो गया, साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन ई, आंसर फिर से इस बार क्या है, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, इत्तेफाक से दो क्वेश्चन ऐसे बने, तो यहाँ पे ये बेसिक स्नेल्स लॉ होता है समाप्त, अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं रियल डेथ एंड अपरेंट डेथ का बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।